अंटार्कटिका। अंटार्कटिका विश्व का पांचवा बड़ा महाद्वीप है। यह विश्व का सर्वाधिक ठंडा महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया और पांचवा अंटार्कटिका। विश्व का सर्वाधिक ठंडा महाद्वीप अंटार्कटिका है, जहाँ पूरी तरह से बर्फ की परत जमी रहती है। यहाँ अंटार्कटिका पर पूरी तरह से बर्फ की परत जमी रहती है, जिसके कारण इसे श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। इसे विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल भी कहा जाता है। सबसे ठंडा मरुस्थल अंटार्कटिका को या सबसे ठंडा महाद्वीप अंटार्कटिका को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पूरी तरह से पूरे वर्ष यहाँ बर्फ के परत जमा रहता है। यह एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ कोई भी व्यक्ति अस्थायी रूप से नहीं रहता है। अंटार्कटिका महाद्वीप एक ऐसा द्वीप है जहाँ पर कोई भी व्यक्ति अस्थायी रूप से नहीं रहता है। अंटार्कटिका की सर्वोच्च बिंदु विंसन मौसिफ सर्वोच्च बिंदु अंटार्कटिका का सर्वोच्च बिंदु विंसन मौसिफ अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी माउंट इरेबस एक अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी माउंट इरेबस अंटार्कटिका विश्व का सबसे ठंडा स्थान दक्षिणी ध्रुव है। अंटार्कटिका का विश्व का सबसे ठंडा स्थान है दक्षिणी ध्रुव। -95 डिग्री सेल्सियस यहाँ का तापमान रहता है। विश्व का सर्वाधिक ताज़ा पानी का स्रोत यही है, अंटार्कटिका है। 75% यहाँ पे ताज़ा पानी का स्रोत है। विश्व का सर्वाधिक ताज़ा पानी का स्रोत भी अंटार्कटिका में है 75%। अब विश्व का सबसे ठंडा स्थान दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका है, दक्षिणी ध्रुव -95 डिग्री सेल्सियस। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर लैम्बर्ट यहीं पे स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर लैम्बर्ट अंटार्कटिका महाद्वीप पर ही स्थित है। क्वीन मॉड पर्वत श्रेणी अंटार्कटिका को दो भागों में बांटती है। यहाँ 22 मार्च से 23 सितंबर तक अंधकार तथा 24 सितंबर से 21 मार्च तक सूर्य के उजाला नहीं होता है। 22 मार्च से 23 सितंबर तक अंधकार तथा 24 सितंबर से 21 मार्च तक सूर्य कभी अस्त नहीं होता है। मतलब यहाँ पे सूर्य उगता है 24 सितंबर से 21 मार्च तक उजाला रहता है, और 22 मार्च से 23 सितंबर तक अंधकार रहता है। अंधकार 22 मार्च से 23 सितंबर तक रहता है और 24 सितंबर से 21 मार्च तक यहाँ उजाला रहता है। दक्षिण गंगोत्री मैत्री तथा भारती अंटार्कटिका में स्थित भारत के शोध संस्थान है। अंटार्कटिका में भारत के शोध संस्थान दक्षिण गंगोत्री मैत्री भारती अंटार्कटिका ये जो तीन स्थान है ये भारत के शोध संस्थान है। वहाँ पे अंटार्कटिका में भारत के शोध संस्थान दक्षिण गंगोत्री मैत्री भारती अंटार्कटिका ये तीन स्थान उस भारत के शोध संस्थान है। अंटार्कटिका जाने वाला प्रथम भारतीय रामचरण थे। अंटार्कटिका जाने वाले भारत के प्रथम भारतीय व्यक्ति रामचरण थे। यहाँ पाए जाने वाले पक्षी पेंगुइन अल्बाट्रोस पेट्रल ये तीन पक्षियाँ यहाँ पाई जाती हैं। पेंगुइन अल्बाट्रोस और पेट्रल यहाँ पर अंटार्कटिका पर पाए जाने वाली पक्षी पेंगुइन अल्बाट्रोस और पेट्रल। पल्मर प्रायद्वीप ही एक ऐसा क्षेत्र है जो बर्फ से मुक्त है। अंटार्कटिका में एक द्वीप है पल्मर एक ऐसा द्वीप है प्रायद्वीप है वहाँ पे अंटार्कटिका में पल्मर एक प्रायद्वीप है जो बर्फ से नहीं ढका हुआ है। वहाँ पे बर्फ नहीं जमता है। इस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी कहा जाता है। अंटार्कटिका महाद्वीप को विश्व का विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। रॉस सागर अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित है। अंटार्कटिका महाद्वीप को गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है। अंटार्कटिका संधि के अंतर्गत अंटार्कटिका महाद्वीप को केवल शांति के उद्देश्य से इस्तेमाल किया जाता है।
अंटार्कटिका संधि के अंतर्गत अंटार्कटिका महाद्वीप को केवल शांति के उद्देश्य से इस्तेमाल किया जाता है। शांति के उद्देश्य से अंटार्कटिका को इस्तेमाल किया जाता है अंटार्कटिका संधि के तहत। राष्ट्रीय अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र गोवा में स्थित है। राष्ट्रीय अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र गोवा जो भारत में है गोवा में स्थित है। राष्ट्रीय अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र गोवा में स्थित है। अब हम उत्तरी अमेरिका के बारे में पढ़ेंगे। उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसे नई दुनिया न्यू वर्ल्ड भी कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका को नई दुनिया न्यू वर्ल्ड भी कहा जाता है। इसके उत्तर में आर्कटिक महासागर, पूर्व में अटलांटिक महासागर, पश्चिम में प्रशांत महासागर और दक्षिण में प्रशांत महासागर और दक्षिण अमेरिका स्थित है। उत्तरी अमेरिका के उत्तर में आर्कटिक महासागर, पूर्व में अटलांटिक महासागर, पश्चिम में प्रशांत महासागर और दक्षिण में प्रशांत महासागर और दक्षिण अमेरिका स्थित है। अब उत्तरी अमेरिका में सर्वोच्च बिंदु माउंट मैक किनले है। उत्तरी अमेरिका का सर्वोच्च बिंदु माउंट मैक किनले उत्तरी अमेरिका का सर्वोच्च बिंदु माउंट मैक किनले। अब उत्तरी अमेरिका का न्यूनतम बिंदु मृत्यु की घाटी उत्तरी अमेरिका की न्यूनतम बिंदु मृत्यु की घाटी। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के हिसाब से कनाडा। ताजा पानी का विश्व की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील उत्तरी अमेरिका में है। उत्तरी अमेरिका में ताजा पानी की विश्व की जो सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील यहीं पे है। महान झीलों का महाद्वीप सुपीरियर मिशिगन ह्यूरन ईडी और ऑन्टेरियो महान झीलों का महाद्वीप इसको कहा जाता है। इसमें सुपीरियर झील, मिशिगन झील, हुरन, ईरी और ऑन्टेरियो उत्तरी अमेरिका में सबसे गर्म तथा शुष्क स्थान है मौत की घाटी। 56.7 डिग्री सेल्सियस यहाँ का तापमान होता है। सबसे गर्म तथा शुष्क स्थान मौत की घाटी। येलोस्टोन नेशनल पार्क में ओल्ड फैथफुल नामक विश्व का सबसे बड़ा गीजर येलोस्टोन नेशनल पार्क में ओल्ड फैथफुल है। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क में है। विश्व का सबसे बिजी हवाई अड्डा न्यूयॉर्क में है। कैनेडी हवाई अड्डा विश्व का सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा है। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन शिकागो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है। विश्व प्रसिद्ध फिल्म उद्योग हॉलीवुड लॉस एंजेल्स में है। हॉलीवुड लॉस एंजेल्स में है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के दक्षिण भाग में अनेक द्वीप कैरिबियन सागर में स्थित हैं। ये उत्तरी अमेरिका के दक्षिण भाग में है जिन्हें पश्चिमी द्वीप समूह भी कहते हैं। इस महाद्वीप में विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड भी सम्मिलित है। जो कि राजनैतिक रूप से डेनमार्क के अधिकार में है। ग्रीनलैंड जो द्वीप है वो राजनैतिक रूप से डेनमार्क के अधिकार में है। ईरी और ओंटेरियो ये दो झील हैं जो मध्य विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा प्रपात स्थित है। ईरी और ओंटेरियो दो झील हैं जो मध्य विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा प्रपात स्थित है।
पश्चिम कार्डिलेरा पश्चिमी कार्डिलेरा का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट मैकिनले है। माउंट मैकिनले पश्चिम कार्डिलेरा का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट मैकिनले है जो अलास्का में स्थित है। माउंट मैकिनले अलास्का में स्थित है। यह सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। माउंट मैकिनले जो अलास्का में स्थित है। सेंट लॉरेंस नदी महान झील क्षेत्र से निकलकर अटलांटिक महासागर में गिरती है। यह उत्तरी अमेरिका का सबसे अधिक व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग है। सेंट लॉरेंस नदी महान झील क्षेत्र से निकलकर अटलांटिक महासागर में गिरती है। ग्रेट बेसिन पठार इस महाद्वीप का सबसे बड़ा अंतर पर्वतीय पठार है। यहाँ की नदियाँ समुद्र तक नहीं पहुँच पाती हैं। उत्तर अमेरिका महाद्वीप का प्रमुख रेगिस्तान सोनोरन है। जो एरिजोना कैलिफोर्निया एवं मैकिस्को में फैली हुई है। रेड इंडियन इनयूइट अलूटस एवं एकिस्मो ये उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी हैं। एकिस्मो सर्दी के मौसम में बर्फ के घर इग्लू बनाकर रहते हैं। ये रेडियर कुत्ते का उपयोग स्लेज गाड़ी खींचने में करते हैं। इनका हथियार हार्पून कहलाता है। उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सर्वप्रमुख फसल गेहूं है। प्रेयरी का मैदान गेहूं का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है तथा विनीपेग गेहूं का प्रसिद्ध मंडी है। मक्का का सर्वाधिक उत्पादन इसी महाद्वीप में होता है। सेंट लुइस विश्व की सबसे बड़ी मक्का की मंडी है। मिसिसिपी द्रोणी का दक्षिण भाग कपास की पेटी के नाम से जाना जाता है। क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। हवाई द्वीप में गन्ने का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सर्वाधिक है। केला उत्पादन के लिए जमैका विश्व का प्रसिद्ध है। सूरजमुखी के उत्पादन में यूएसए का प्रथम स्थान है। संयुक्त राज्य अमेरिका के टुंड्रा प्रदेश के शंकुधारी वन को टैगा कहा जाता है। महाद्वीप सेल्फ पर स्थित ग्रांड बैंक, जॉर्ज बैंक, न्यू इंग्लैंड तथा न्यू फाउंडलैंड प्रमुख मत्स्य उत्पादन क्षेत्र है। संयुक्त राज्य अमेरिका का डेट्रॉइट शहर मोटर गाड़ियां बनाने का प्रमुख केंद्र है। संयुक्त राज्य अमेरिका का डेट्रॉइट शहर
मोटर गाड़ियाँ बनाने का प्रमुख केंद्र है। कनाडियन शील्ड विश्व में खनिजों का सबसे बड़ा भंडार है। कनाडा के वनों में लकड़ी काटने वाले लोगों को लम्बर जैक कहते हैं। कनाडा विश्व में यूरेनियम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक तथा प्रथम निर्यातक राष्ट्र है। कनाडा की सडबड़ी खान निकेल के निक्षेप में विश्व के सबसे बड़ा है। कनाडा की सुलिवान खान विश्व की सबसे बड़ी सीसा और जिंक का खान है। ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में है। कनाडा की सुलिवान खान विश्व के सबसे बड़ी सीसा और जिंक का खान है। अखबारी कागज के उत्पादन में कनाडा का विश्व में प्रथम स्थान है। मॉन्ट्रियल कागज उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। एलिजाबेथ द्वीप कनाडा एवं ग्रीनलैंड के बीच स्थित एक द्वीप है। जिस पर पृथ्वी का उत्तरी चुंबकीय ध्रुव स्थित है। पृथ्वी के उत्तरी चुंबकीय ध्रुव एलिजाबेथ द्वीप कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में स्थित है, वहीं पर है। यूएसए की मेसाबी एवं वर्मिलन प्रमुख लौह खने हैं। जो सुपेरियर झील प्रदेश में है। पीडमॉन्ट और तटीय भाग ने झरने की पंक्ति को प्रताप रेखा कहते हैं। सैन फ्रांसिस्को में सिलिकॉन वैली स्थित है। सुपेरियर झील पर स्थित डुलुथ इस्पात का प्रमुख केंद्र है। यूएसए के डेनेवर को मील ऊंचा नगर के नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री न्यूयॉर्क में स्थित है। न्यूयॉर्क को नगरों का नगर भी कहा जाता है। केप केनवेरल संयुक्त राज्य अमेरिका का भू उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। डच हार्बर यूएसए का एक नौसैनिक स्टेशन है। जहां 1942 में जापान ने हमला किया था। यूएसए की रेड नदी घाटी को विश्व की रोटी टोकरी की संज्ञा दी गई है। यूएसए की रेड नदी घाटी को विश्व की रोटी टोकरी कहा गया है। विश्व का सबसे बड़ा सिंथेटिक रबर टायर
बनाने का प्रमुख केंद्र एक्रॉन यूएसए में है। विश्व का सबसे बड़ा सिंथेटिक रबर टायर बनाने का प्रमुख केंद्र एक्रॉन यूएसए में है।